मोहम्मद शमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वेस्ट बंगाल की अलीपुर कोर्ट ने शमी और उनके भाई के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। शमी अभी वेस्ट इंडीज दौरे पर हैं, जिसे देखते उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है। शमी की पत्नी हसीन जहां अब सामने आ चुकी है और इस वारंट के बाद उन्होंने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ, मैंने जो आरोप शमी पर लगाए वो सच साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि शमी खुलेआम उनकी जिंदगी में गंदगी फैला रहे थे, साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठा दिए। मोहम्मद शमी की पत्नी ने कहा कि लाल बाजार की पुलिस अमरोहा की पुलिस जैसी नहीं है, अगर वो अमरोहा में रहती तो वहाँ की पुलिस चार्जशीट लगाना तो दूर उन्हें ही जान से मार देती, लेकिन लाल बाजार की पुलिस इतने दबाव के बावजूद सच के साथ रही। हसीन जहां ने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी आभार व्यक्त किया। लेकिन अब शमी की पत्नी चाहती क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इतने खराब लोग सुधर कर साधु संत बन गए हैं, वो भी चाहती है कि शमी सुधर जाए और आकर माफी मांग ले। उन्होंने कहा कि वो अपना घर बचाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी 4 साल की बेटी को एक पिता मिल जाए। उनकी बेटी अपने पिता को काफी याद करती है। हसीन जहां ने कहा कि उन्हें शादी के बाद ही शमी की हकीकत का पता चल गया था। 5 साल तक एतुबा के साथ रिश्ता रखने के बाद उन्हें धोखा दे दिया, उनसे अच्छी में मिली तो मुझसे रिश्ता जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद भी शमी की कई लड़कियों से अफेयर रहे, पहले वो भी बाकी लड़कियों की तरह दब गई थी, लेकिन हसीन ने कहा कि बाद में मैंने लड़ाई लड़ने की सोची और मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो देखिए आखिरकार वारंट आते ही हसीन जहां ने क्या बोला। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।